सब्सक्राइब कीजिए बीआर क्राफ्टिंग चैनल को, बेल आइकन को क्लिक करें और देखिए फैशन एंड होम मेकिंग वीडियो सबसे पहले। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बीआर क्राफ्टिंग। आज की इस वीडियो में हम ब्लाउज नेक डिजाइन बनाना सीखेंगे। ये जो हमारा डिजाइन है, इसे हम बैक और फ्रंट पार्ट दोनों साइड बनाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने सिल्क का 1 मीटर का फैब्रिक लिया है, लाइनिंग ली है और हम इसमें पाइपिंग का यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पाइपिंग लिया है। अब पहले इस डिजाइन को अपने ड्राफ्टिंग पेपर पे ड्राफ्ट करेंगे, उसके बाद पेपर को रखकर हम अपने फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो चलिए शुरू करते आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम अपने ब्लाउज के बैक पार्ट की मार्किंग और कटिंग करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने ड्राफ्ट पेपर को डबल फोल्ड कर लिया है। अब पहले हम अपनी लेंथ लेंगे। लेंथ है हमारा 16 इंच, तो ऊपर से लेके 16 इंच नीचे तक हम पहले एक निशान लगा लेंगे। अब ये जो हमारा ब्लाउज है, ये बोटनेक है। तो पहले हम शोल्डर लेंगे 7.5 इंच पे और गले की ब्रॉडनेस हम ज्यादा रखेंगे बोटनेक में, तो 4.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे गले की तरफ से। अब जो गले की गहराई है वो 3 इंच है, तो 3 इंच पे निशान लगा लेंगे और इसे शेप कर लेंगे राउंड शेप। अब यहां से हम आर्महोल का निशान लगाएंगे। आर्महोल है हमारा 6.5 इंच, चेस्ट है हमारा 9.5 इंच, तो पहले 9.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे हम अपनी सिलाई के लिए। नीचे वेस्ट है हमारा 8.5 इंच, तो 8.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे और यहाँ भी 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे हम सिलाई के लिए। अब इन दोनों निशानों को एक साथ मिला लेंगे। यहाँ 3.5 इंच पे एक हम प्लेट डालेंगे, जैसा कि हम हर ब्लाउज में करते हैं। अब हम ब्लाउज के बैक पार्ट में डिजाइन बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ ऊपर से लेके जो हमारी ब्लाउज की जो गहराई है उस पे एक निशान लगा लेंगे। तो 10 इंच पे पहले एक निशान लगा लेंगे गले के पास से, नीचे 3 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। अब इन दोनों के सेंटर में 2 इंच पे एक निशान लगा लेंगे और इसे 4 इंच तक बढ़ा लेंगे इस तरीके से। अब इसे हम राउंड शेप देंगे। अब इसे हम नीचे तक ऐसे खींच लेंगे और इसे ऊपर तक। यहां हम आर्महोल का शेप देंगे। तो अब हम ये बीच वाले डिजाइन को कट करेंगे। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, पहले इसको कट करके हम साइड कर लेंगे। अब देखिए, ये जो हमारा राउंड वाला जो हिस्सा है, इसको कट करके हम अलग निकाल लेंगे। तो देखिए, ये डिजाइन हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये दो पार्ट हमने अलग अलग कट कर लिया है। अब जब हम इसे अपने कपड़े पे कटिंग करेंगे, तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है उसको ऐसे नीचे की तरफ यहाँ पे गैप देके एक्स्ट्रा कपड़ा रख के कट करेंगे, क्योंकि हमारा सिलाई में भी यहाँ पे कुछ कपड़ा जाएगा, इसीलिए हम इतना एक्स्ट्रा रखते हैं। और इसी वजह से हम इसे डायरेक्ट कपड़े पे नहीं काटते, इस डिजाइन को पहले ड्राफ्टिंग पेपर पे कट करते हैं। तो चलिए अब फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे ड्राफ्टिंग पेपर पे, उसके बाद हम अपने मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। अब हम ब्लाउज के फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो देखिए, जैसे हम ब्लाउज की मार्किंग करते हैं, वैसे हमने यहाँ पे मार्किंग कर ली है। लेंथ ले लिया है आर्महोल और ये गले की तरफ भी निशान लगा लिया है। अब हम यहाँ पे शेप देंगे जो हमें फ्रंट में देना है। तो गले की तरफ से यहाँ से 2 इंच नीचे एक निशान लगाएंगे। अब जो गले की हमारी गहराई होती है 6.5 इंच, तो 6.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लेंगे और इधर से हम 3.5 इंच पे यहाँ पे एक सेंटर में निशान लगा लेंगे। अब इसे राउंड शेप देंगे।
तरीके से। अब इसे हम ऊपर की तरफ ऐसे खींच लेंगे और इसे हम नीचे की तरफ राउंड शेप देंगे। तो देखिए यहाँ पे भी हमने निशान लगा लिया जो हमें डिजाइन बनाना है। अब पहले इसको कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई। अब हम इसे अपने फैब्रिक पे रख के फैब्रिक को कट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे लाइनिंग को हमने डबल फोल्ड कर लिया है और इसके ऊपर पेपर को रखकर हम लाइनिंग की कटिंग करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने गैप छोड़ा हुआ है, ये हमारा सिलाई में जाएगा। तो इतना हम एक्स्ट्रा रखेंगे कपड़े को। अब आप चाहे तो निशान लगा ले। अब हम फ्रंट पार्ट में भी लाइनिंग की कटिंग इसी तरीके से कर लेंगे। तो देखिए अब हम अपने मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे लाइनिंग को रख के। तो देखिए बराबर से मैंने यहाँ पे लाइनिंग को रख लिया है। अब हम इसको एज इट इज कट कर लेंगे। तो हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई। अब इसी तरीके से हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। अब हम अपने स्लीव की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लिया है। स्लीव की जो हमारी लेंथ है वो है 10 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो 11 इंच पे पहले एक निशान लगा लेंगे। अब इधर से हम 9 इंच पे एक निशान लगाएंगे। अंदर की तरफ से हम एक 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहां से इसको राउंड शेप कर लेंगे। स्लीव की जो मोहरी है वो है 6 इंच, तो 6 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। अब इस निशान से इस निशान को तिरछा ऐसे मिला लेंगे। अब हम इसको कट कर लेंगे। तो हमारे स्लीव की कटिंग हो गई। अब हम लाइनिंग को भी कट कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा डिजाइन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये वाला जो हमारा भाग है इसको हम फिनिश करेंगे उरेप पट्टी लाकर और बीच में पाइपिंग लगा के, और फिर हम ये गले की फिनिशिंग करेंगे पाइपिंग लगा के और उरेप पट्टी ला के। इन दोनों को फिनिश करने के बाद ये जो हमारा नीचे वाला हिस्सा है ये राउंड, इसको भी हम पाइपिंग और उरेप पट्टी लाकर फिनिश कर लेंगे। फिनिश करने के बाद फिर हम इसको इस तरीके से अटैच करेंगे और ये हम फ्रंट और बैक पार्ट दोनों में करेंगे। तो सबसे पहले चलिए ऊपर वाले की सिलाई लगाते हैं और इसको फिनिशिंग देते हैं। तो देखिए पहले लाइनिंग को और मेन फैब्रिक को यहाँ पे अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद पाइपिंग को ऐसे रखेंगे और इसके ऊपर हम उरेप पट्टी रखकर ऐसे पहले तो हम सिलाई लगा लेंगे, फिर इसे सीधे की उल्टे की तरफ पलट के और इसको फिनिश कर लेंगे। इसी तरीके से हम इसे ऊपर और नीचे की तरफ फिनिशिंग देंगे, पर मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही इसे फिनिश करूंगी उल्टे साइड से इसको, पाइपिंग को लाइनिंग और मेन फैब्रिक के बीच रख के। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ सिल के। तो देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट ही पाइपिंग की सिलाई करने वाले हैं। मेन फैब्रिक का जो राइट वाला हिस्सा है वो अंदर की तरफ रखकर और पाइपिंग को भी मैंने लाइनिंग और ये मेन फैब्रिक के बीच में रख दिया है और पूरी तरफ मैंने पिनअप कर लिया है। आप देख सकते हैं नीचे की तरफ और ये गले की तरफ भी। अब हम इस पे सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद इसे हम सीधे की तरफ पलट के इसको फिनिश कर लेंगे।
देखिए ऊपर और नीचे की तरफ सिलाई लगाने के बाद हम इस पे छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे और इसे सीधे की तरफ पलटेंगे। अब इसी तरीके से नीचे भी हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। तो देखिए सीधे की तरफ पलटने के बाद कुछ इस तरीके से ये दिखेगा। अब इसके ऊपर हम एक प्रेस सिलाई लगा लेंगे यहाँ गले की तरफ, और ये नीचे जो हमारा डिज़ाइन है राउंड शेप में उस पर भी एक प्रेस सिलाई लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। तो देखिए ऊपर वाले की फिनिशिंग करने के बाद ये जो नीचे वाला हमारा हिस्सा है उसको भी हम पाइपिंग लगा के पहले फिनिश कर लेंगे इसी तरीके से। तो देखिए बैक पार्ट में हमने दोनों पीस की फिनिशिंग कर ली है यहाँ पे पाइपिंग लगा के। आपने देखा किस तरीके से मैंने डायरेक्ट पाइपिंग लगा के फिनिशिंग की, पूरे पट्टी यूज नहीं की मैंने यहाँ पे। तो अब हम इन दोनों को अटैच करेंगे। तो आपको मैंने कटिंग करते वक्त ही बताया था यहाँ पे आधा से पौने एक इंच एक्स्ट्रा कपड़ा हमने लिया है। अब इसको इसके ऊपर हाफ इंच ऐसे रख देंगे दोनों तरफ से, ऐसे देखिए इस तरीके से बराबर से रखेंगे ताकि जो हमारा शेप है ये उभर कर आए। अब ऐसे रखने के बाद हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। तो पहले ऐसे हम रखेंगे, उसके बाद इसे हम पिनअप कर लेंगे ताकि हमारा कपड़ा फिक्स हो जाए और सिलाई करते वक्त इधर उधर ना हो। और इसे पिनअप करके यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक हम अपनी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए दोनों साइड यहाँ पे हमने पिनअप कर लिया है और कपड़े को फिक्स कर लिया है। अब हम यहाँ से अपनी सिलाई स्टार्ट करेंगे। तो देखिए हमारी सिलाई लग गई है बैक पार्ट की, हमने बैक पार्ट को फिनिश कर लिया। ये देखिए ये हमारा रॉन्ग साइड है। अब हम यहाँ पे दोनों टक्स लगा लेंगे जो हमने निशान लगाया है। इसी तरीके से हम फ्रंट पार्ट में भी सेम गले की फिनिशिंग कर लेंगे जैसे हमने बैक पार्ट में की है। तो देखिए हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट बनकर तैयार है। अब हम दोनों को शोल्डर के साथ अटैच कर लेंगे, उसके बाद स्लीव अटैच करके अपने ब्लाउज को कम्प्लीट कर लेंगे। नीचे की तरफ भी हमने यहाँ पे फिनिशिंग कर ली है। तो चलिए शोल्डर अटैच करते हैं। तो हमारे ब्लाउज का डिजाइन बनकर तैयार है। देखिए ये ब्लाउज का बैक पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट है ब्लाउज का। आप चाहें तो यहाँ पे पैड भी लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम ब्लाउज में स्लीव को अटैच कर लेंगे, साथ ही हम साइड की सिलाई लगा लेंगे। साइड में हम जिप अटैच करेंगे क्योंकि हमने सामने से कहीं से भी ओपन नहीं किया है। जिप लगाने का वीडियो मैंने पहले भी बनाया है, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक चेक कर सकते हैं। तो देखिए ब्लाउज में हमने स्लीव अटैच कर लिया और साइड में भी जिप लगाकर ब्लाउज को कंप्लीट कर लिया है। नीचे की तरफ यहाँ पे पाइपिंग लगा दी है। अब हम ये जो हमारा डिजाइन है इसमें डेकोरेट करेंगे ताकि ये ब्लाउज का लुक और हेवी हो जाए। तो चलिए मैं आपको डेकोरेट करके दिखाती हूँ। तो देखिए ब्लाउज में डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे मैंने बीट्स लिए छोटे वाले और ये हैंगिंग लिए जिससे कि हम ब्लाउज के बैक पार्ट में और फ्रंट पार्ट में डेकोरेट करेंगे। देखिए ऊपर की तरफ यहाँ पे हमने निशान लगा लिया जहाँ पे हमें इसे अटैच करना है। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे किनारे से, सुई धागे से पहले इसको नीचे की तरफ लाएंगे। फिर हम बीट्स लेंगे तीन, फिर ये घंटी लगाएंगे। अब अंदर की तरफ एक बीट्स को डालेंगे, फिर इसे ऊपर की तरफ निकाल लेंगे। ऊपर की तरफ निकालने के बाद दोबारा से इन बीट्स में हम सुई धागे को डालेंगे और फिर यहाँ पे नोट बना लेंगे ताकि ये खुले नहीं। देखिए दोबारा से तीन बीट्स को एक साथ डालेंगे पहले हम सुई धागे में, फिर एक कैप को डालेंगे,
कैप को डालने के बाद एक और बीड हम डालेंगे इसमें। अब दोबारा से वापस की तरफ कैप में हम सुई धागे को डालेंगे नीचे से ऊपर की तरफ और खींच लेंगे। उसके बाद फिर से हम इन तीनों बीड्स में सुई धागे को डालेंगे। देखिए अब यहाँ पे हम एक टाइट नोट बना लेंगे ताकि ये खुले नहीं, फिक्स हो जाए। अब इसी तरीके से जहां जहां हमने निशान लगाया है हम अपने घंटी को ऐसे लटका लेंगे। तो हमने ब्लाउज के बैक पार्ट में और फ्रंट पार्ट में दोनों ही तरफ इसे डेकोरेट कर लिया है, जिससे इसका लुक आप देख सकते हैं कितना बढ़ गया है। तो आप भी इस डिजाइन को जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो कैसा लगा मेरा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।